स्वागत है, मैं हूँ शरद बाघेला और स्पेशल में हम बात करते हैं उन खबरों की जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपसे और हमसे जुड़ा रहता है। बात करते हैं गरियाबंद की, जहाँ पर किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा के मरीजों ने एक बार फिर इलाज के लिए मना कर दिया है। मरीज ना तो इलाज कराना चाह रहे हैं और ना ही फॉलोअप के लिए रायपुर जाने को तैयार है। देवभोग बीमो ने ग्रामीणों की एक बैठक ली थी जिसमें ये बात सामने आई है। हालांकि इस बार ग्रामीणों ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। खुद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मरीजों को इलाज के लिए प्रेरित करने के साथ बुनियादी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया था, लेकिन मरीजों को इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं है। बता दें कि एक आंकड़े के अनुसार पिछले 3 साल में किडनी की बीमारी से पीड़ित सुपेबेड़ा के 71 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, गांव में 200 से ज्यादा किडनी मरीज बेहतर इलाज के लिए अभी भी परेशान है। अभी जैसे कुछ लोग मर जा रहे हैं तो उनको किडनी की बता रहे हैं, तो क्या है उसका? मर जा रहा है कोई भी मरने से भी किडनी, कोई कैंसर में मरने से भी किडनी, उनका रिपोर्ट तो देखा भाई पहले। सर मैं भी सूचना देती हूँ, पारा पड़ोस में भी जाकर बोलती हूँ, डॉक्टर लोग आए हैं चलो चेकअप के लिए चलो, उन्हें लोग ना ही नहीं जाएंगे, हम उसी दवाई मिल रहा है, कौन बताए नहीं हमारा शरीर ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं सब जन, लेकिन वो लोग भी गलती कर रहे हैं। और फिर कल मीटिंग रखा था उसमें प्रस्ताव यही आया था कि भाई हम लोग तो अभी ज्यादा नहीं चाह रहे हैं, अभी ठीक हो गए हैं, ऐसे है उम्र दराज है, बोले एक व्यक्ति बोला तो था वो खिल्लीगुड़ा को बोल रहा था उम्र दराज है साहब मैं बाद में जाऊंगा, और कुछ लोग बोले कभी नहीं जाए थे, और कुछ का ये भी कहना था भाई कि वहाँ पर वो एसी वगैरह चलाते हैं, ये है वो है, तो उसमें रह पाना परेशानी होता है, ये कहना था। पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए गरियाबंद से। पुरुषोत्तम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो सुपेबेड़ा में ये बीमारी बड़ा खतरनाक प्रकोप चल रहा है इसका, और कई लोग मौत का शिकार भी हो चुके हैं इससे, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी वजह है जिसके कारण मरीज रायपुर जाने से कतरा रहे हैं जबकि सरकार तमाम सुविधाएं दे रही है? जी बिल्कुल शरद, यही बात तो उस दिन सामने आया जब अंतिम बार जब दौरा हुआ था राज्यपाल अनुसुईया उइके का, उस समय सख्त निर्देश दिए गए थे और उस मौके पर उस मंच से ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कह दिया था कि ग्रामीणों ने उनके समक्ष मांग रखा था कि हम सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे, तो सरकार ने इस बात की भी मंजूरी देकर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल को इलाज के लिए सुपुर्द कर दिया था और बड़ी मशक्कत के बाद 10 लोगों को वहां ले जाया गया, लेकिन 10 लोग वहां पहुंचे और फर्स्ट स्टेज की जांच के बाद वो लोग सारे लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद बार बार वहां से सरकार की ओर प्रशासन की ओर से उन्हें फॉलोअप के लिए भी कहा जा रहा था लेकिन नहीं पहुंचे, तो इस बात की जानकारी लेने जब वहां बीएमओ पहुंचे, बीएमओ ने वहां पंचायत की स्तर पर बैठक आयोजित करवाया, पंचों को बुलाया गया था, पीड़ित के परिजनों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें बीमार और उनके परिजन ज्यादातर रुचि नहीं ले रहे थे, और इसी बैठक में यह बात निकलकर सामने आई कि जितनी भी सारे चीजें जो हो रही हैं बताया जा रहा है, कुछ ग्रामीण तो इस तरह से बताए हैं कि जो कैंसर से पीड़ित हैं या फिर बीपी के मरीज हैं या शुगर के मरीज हैं ये लोग भी मौत होती है, तो ये लोग भी अपने मौत किडनी का बताकर मामले को ज्यादा वो प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा है। मौत के आंकड़े बहुत कम है ये दावा भी ग्रामीणों ने किया, सरपंच तक ने यह कह दिया कि जो जितने मौत के आंकड़े बताए गए थे ये मौत के आंकड़ों की भी अगर असली सच्चाई से जांच किया जाए, अच्छे से पड़ताल किया जाए, तो ये आंकड़े भी बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरह से अब जो विरोधाभास उत्पन्न होने लगी है, ग्रामीण तक यह तक दावा कर दिए कि ये कुछ एक तबका है जो गाँव को जबरदस्ती हाईलाइट कर रहे हैं, और इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि वहाँ एम्स की टीम पहुंची थी, आज भी एम्स की टीम वहाँ पे पहुंची है, जो तबका इस बात को फैलाता है या जो तबका दावा करता है कि गांव के लोग सारे लोग बीमार पड़े हैं, वो लोग उनके मुताबिक 90 लोग पीड़ित हैं, लेकिन आज जब फिर एम्स की टीम वहाँ पहुंची है, अभी भी उस टीम वहाँ पे मौजूद है और टीम के साथ हम भी मौजूद हैं, वहाँ पे 90 लोगों का दावा किया गया था लेकिन बड़ी मुश्किल से जब मितानिन लोग गाँव से बाहर निकाल के लाए तो बमुश्किल 10 लोग ही वहाँ पे आज गाँव में पहुंचे हैं। तो इस तरह से जब बातें निकल के आ रही थी कि सरकार जो तमाम सुविधा दे रही है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करा रही है, यहाँ तक कि आने जाने की व्यवस्था के अलावा जो मरीज और जो मरीज को मरीजों के जो हितचिंतक जो चाहते थे कि इन्हें सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जाए, यहाँ तक कि मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री 10 महीने के अंदर 3-3 बार वहाँ जाकर लगातार निवेदन कर रहे थे ग्रामीण को, उसके बावजूद भी रुचि नहीं लेना, इन तमाम बातों के बाद जो है ग्रामीण बिल्कुल झल्ला गए हैं और उन्होंने इस बात का खुलासा और मामले को क्या ये बात सही नहीं है कि 200 लोग मरीज अभी वहाँ पर जो किडनी बीमारी से जूझ रहे हैं? कि निश्चित तौर पे जो इलाका जो सुपेबेड़ा के अलावा पूरे देवभोग विकासखंड यानी कि देवभोग विकासखंड में 70 से 80 लोग पिछले 2 महीने में इलाज करवाए हैं, तो ग्रामीणों का यह दावा है कि केवल सुपेबेड़ा ही नहीं आसपास के लोगों का भी क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है,
अभी भी जो सुपेबेड़ा की जो रिपोर्ट है उसमें 129 लोगों का जो है पॉजिटिव रिपोर्ट पाया गया है, लेकिन जो डायलिसिस के लायक हैं केवल 12 से 15 लोग हैं। लेकिन जब ग्रामीणों को ये कहा जाता था तो ग्रामीण अपनी तरफ से जो आंकड़े बताते थे वो 90 से 92 का आंकड़ा बताते थे और इलाज के दरमियान केवल 10 से 12 लोग आते थे। उस गाँव में सुपेबेड़ा पंचायत के जो आश्रित ग्राम है, ग्राम के लोग भी वहाँ पहुंचे, ग्राम के लोगों का ये भी दावा था, बैठक में ये दावा किया था। ग्रामीण तो ये बता रहे हैं, ग्रामीण आंकड़े कम बता रहे हैं, वो 95 का आंकड़ा बता रहे हैं जिसमें 10 लोग ज्यादा गंभीर बीमार हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े क्या हैं, वास्तव में क्या आंकड़े हैं, जो बीएमओ की टीम वहां पर पहुंची है, बीएमओ खुद पहुंचे हैं, उनके सामने वास्तविक आंकड़े क्या निकल कर आए जिस पर ये कहा जाए कि हाँ ये सही आंकड़े हैं? जी देखिए, अभी जैसे जिस तरह से क्रिएटिन लेवल बढ़ा होना बोलते हैं तो उसे एक सामान्य तौर पे लिया जा रहा है कि इतना लेवल जो है किसी का भी अगर जांच करें तो 2 से 4 पॉइंट तक के जो है जो क्रिएटिनिन लेवल है वो लगभग सामान्य स्थिति में, लेकिन 6 से 10 के बीच केवल 11 से 12 मरीज हैं जिनको इलाज की जरूरत है, ये डॉक्टरों का कहना था। और आज जब आज एम्स की टीम पहुंची है, एम्स के डॉक्टर भी पहुंचे हुए हैं, वहां फिर से ब्लड सैंपल लेने की तैयारी किया जा रहा था और वहां प्राथमिक तौर पर। पुरुषोत्तम, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।